अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ Realme डिवाइस में आप सिस्टम जो एप्लीकेशन है उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो नए फीचर्स हैं उसको कैसे अपने डिवाइस में यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि यहाँ पे Realme के मैं सिस्टम एप्स के बारे में जो बात करने वाला हूँ और Realme UI आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अगर अपने डिवाइस में, तो यहाँ पे आप अपने डिवाइस में जो सिस्टम एप्स हैं उनको अपडेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ Realme के यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि Realme के डिवाइस में आपको कई सारे सिस्टम में एप्लीकेशंस जो है देखने को मिलती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो कैलकुलेटर हो गया, यहाँ पे फोटोज हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, मैसेज ऐप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कई सारे और भी एप्लीकेशन है जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है इसमें। और आप इन यहाँ पे इनके जो वर्जन होते हैं, मतलब ये जो दिए गए होते हैं, जब भी आप अपडेट करते हैं तो वहां पे खाली सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलता है, सिस्टम के लिए कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सिस्टम का जो यहाँ पे एप्लीकेशन होता है अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अलग से जो है मैन्युअली खुद से जो इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मैं बता, अगर ये वीडियो देखिए आप काफी लेट देखेंगे तो हो सकता है कि तब तक जो यहाँ पे एप्लीकेशंस में और भी नए अपडेट आ सकते हैं, बट फिलहाल से मैं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो मैं अपडेट बता रहा हूँ आपको, इस अपडेट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अप्रैल तक का अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस वीडियो को मतलब काफी टाइम लेट बाद देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं फ्यूचर में मंथली वाइज जो है यहाँ पे से अपडेट से रिलेटेड अगर कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो है आप यहाँ पे सिस्टम एप्स को जो है अपडेट कर सकते हैं अपने डिवाइस में, ठीक है। अब आपके डिवाइस में कई सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस में तो मैं आपको बता दूं कि करना क्या होगा इसके लिए आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी अपने डिवाइस में सिस्टम एप्स को अपडेट करना है तो लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप जैसे जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको एक फाइल का लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपली जो क्लिक करके जो है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो सिस्टम एप्स है उसकी आपको जिप फाइल जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे इसमें सभी जो है चीज मिल रहे, मतलब जैसे यहाँ पे फोटोज हो गया, कैलकुलेटर हो गया, और यहाँ पे कई तरीके की और भी जो फाइल्स है, मतलब आपको सभी का जो है अपडेटेड वर्जन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी नए अपडेट्स आए, ठीक है। तो आप इसको अपने Realme UI 2.0 में जो इंस्टॉल तो कर सकते हैं, इसका वर्जन भी अभी तक का जो है लेटेस्ट देखने को मिलता है, बट यहां पे आने वाले समय में और नए जो वर्जन है वो भी आएंगे, ठीक है। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो मस्ट भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको फ्यूचर में जो भी यहां पे सिस्टम एप्स के अपडेट आए या फिर अदर किसी भी एप्स के अपडेट आए आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप अपने डिवाइस में सिस्टम एप्स में कोई भी यहां पे एप्लीकेशन है उसको काफी अच्छे तरीके से जो अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बाद आपको वन स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, साथ में पुरानी एप्लीकेशन का भी आपको बैकअप रख लेना है, ठीक है, ताकि इनकेस कभी कोई भी एप्लीकेशन आपका यहाँ पे बाय मिस अंडरस्टैंडिंग से अगर रिमूव भी होता है तो उसको आप वापस से री इंस्टॉल कर पाए, ठीक है। तो आपको बैकअप फाइल भी जरूर से बना लेना है और साथ में नए एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।